हरियाणा में एक बार फिर से अफसरशाही हावी होती हुई नजर आ रही है। मेरे सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं एक गेट है, जो गेट जिसका दरवाजा तक भी नहीं खुला पाया है। मामला क्या है? दरअसल 7 साल पहले इस दीवार को, बस स्टैंड के पीछे की दीवार है, और इसे हटाने के आदेश दिए गए, मंत्री साहब ने आदेश दे दिए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। और उन्होंने जब अधिकारियों को डांटा फटकारा, तब बीएनडीआर और रोडवेज विभाग के अधिकारियों को डांट और फटकार पड़ने के तुरंत 7 घंटे के अंदर अंदर इस दीवार को हटा दिया गया। मेरे सामने तस्वीरें देख पा रहे हैं, 7 घंटे में इस दीवार को हटा दिया गया, जो 7 साल से नहीं हटी थी। लेकिन अब मंत्री जी के आदेश के बाद भी अभी भी ये दरवाजा नहीं खुला है। हरियाणा के निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, जिनके आदेश के बाद भी अभी तक ये दरवाजा नहीं खुला है, और इसको बनाने का काम जो है वो तेजी से चल रहा था, और यहां पर बीएनडीआर विभाग को इसका कार्य सौंपा गया था। दरअसल ये इसे बने तो लगभग 28 दिन से ज्यादा समय हो चुका है, यानी मैं बात करूं तो 30-35 दिन के आसपास हो चुका है। हालांकि मजबूती के लिए ये कहा जा रहा था कि मैं 28 दिन के बाद इस दरवाजे को खोल दिया जाएगा, लेकिन 28 दिन के अलावा 35 दिन से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक भी इसे खोला नहीं गया है। यानी मंत्री जी के आदेश के ऊपर अभी अफसरशाही हावी है। एक तरफ जब बीएनडीआर विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई, तो उनका कहना रहा कि हमने बना दिया है दरवाजा, और बनाए हुए लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं, और अभी हमने इनको, रोडवेज विभाग के अंडर है, अब उनको ही खोल करके इसे शुरू करना है। वहीं पर रोडवेज विभाग के अधिकारियों से बातचीत की, तो उनका कहना था कि बीएनडीआर ने हमें लिखित में नहीं दिया है, इसीलिए अभी हम इसको नहीं खोलेंगे। तो दोनों विभाग के दौरान, दोनों विभाग के जिस तरीके से पेच फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका हर्जाना जो आम जनता को भुगतना पड़ता है। दिक्कत यही है कि ना ही तो इसकी ट्रायल हो चुकी है, और ना ही मंत्री जी के आदेशों का पालन हो रहा है। जो दरवाजा आज से लगभग 10 दिन पहले ही खुल जाना चाहिए था, आज भी वो दरवाजा बंद है। यानी मंत्री जी के आदेशों की अवहेलना यहाँ की जा रही है, अफसरशाही जो है हावी हो चुकी है मंत्री जी के आदेशों के ऊपर, ऐसा लगता है। यानी मंत्री जी के आदेश दरकिनार करके अफसरशाही अपने मनमानी करने पर उतरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों विभाग, जो कि बीएनडीआर और पब्लिक हेल्थ जो है, और उसके अलावा रोडवेज विभाग, इन दोनों की करामात के कारण आज भी ये काम अटका हुआ है। महज 20 दिन में खुल जाने वाला, अक्सर लेंटर जो होता है घर का 15 दिन बाद हम खोल देते हैं, लेकिन इसको 28 दिन हो चुके हैं। ऐसी कौन सी मजबूती इसमें विभाग करना चाह रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा। और 28 दिन के बाद भी लगभग 30-35 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसे खोला नहीं जा रहा है। रोडवेज विभाग कह रहा है कि वो हमें लिखित में देंगे बीएनडीआर, तभी हम इसे खोलेंगे, ताकि इसकी पूर्ण मजबूती और ताकि उनकी गारंटी हो। वहीं पर बीएनडीआर विभाग कह रहा है कि जब हमने बना दिया है तो वो अपने खोल के ट्रायल कर सकते हैं। वो आखिर क्यों नहीं खोल के इसे ट्रायल करते, आखिर वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, आखिर क्यों, जब हमने बना दिया है तब ऐसा क्यों? तो दोनों विभाग के बीच में मंत्री जी के आदेशों की अवहेलना लगातार हो रही है। कमल गुप्ता जी, जब उनको पता लगा कि मेरे आदेश के बावजूद भी ये नहीं खुला, तब उन्होंने डांट फटकार लगाई, और महज 7 घंटे में दरवाजा खुल गया था। इस दरवाजे की मैं बात करूं तो लगभग 25 फुट के चौड़ाई का ये दरवाजा, और 8.25 फुट 9 फुट के करीब इसकी ऊंचाई, और सबसे बड़ी बात, इस ऊपर जो बिजली की तारें हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत देंगी ट्रायल के दौरान भी। और यहाँ पर एक चेक पोस्ट जो पहले से यहाँ पर रोडवेज विभाग के पास है, उसे भी यहाँ उठा करके यहाँ रखा जाएगा, ताकि ट्रायल की जा सके। लेकिन बिजली विभाग की जो तारें हैं वो भी अभी इसमें रोड अटकाने का काम करेंगी, इस दरवाजे को खुलने में वो भी अभी दिक्कत देने वाली हैं। तो अभी बहुत सी दिक्कतें हैं, लेकिन अभी भी अफसरशाही हावी है, चाहे फिर वो रोडवेज के अफसर हों, चाहे बीएनडीआर के हों, दोनों ही के अफसरशाही के बीच में पिस रहा है। तो ये दरवाजा और ये रास्ता काम नहीं हो रहा, तो दिक्कत आ रही है। तो आम जनता को, आम जनता इंतजार कर रही थी कहीं ना कहीं दरवाजा खुलने का, लेकिन अभी भी वो दरवाजा नहीं खुल पाया है, और मंत्री जी के आदेशों की अवहेलना लगातार हो रही है। शायद इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री जी कब डांटें फटकारे, कब आकर के इसका थित्ता काटे, तब जब शुरुआत इसकी की जाएगी। लेकिन क्या एक पुरानी द्वार को तोड़ करके एक गेट लगाने के ऊपर भी क्या फित्ते का इंतजार किया जाएगा, क्या इंतजार किया जाएगा कि वो खुद आए और इसका रिबन काटेंगे? हालांकि ये तो ट्रायल बेस है, लेकिन फिर भी
अफसरशाही इस पर कुछ भी बोलती हुई नजर नहीं आ रही और अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है। रोडवेज भी पल्ला झाड़ रही है, दूसरी तरफ भंडार विभाग भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है। तो ये है जमीनी हकीकत, अफसरशाही जो है वो भी मंत्रियों पर हावी होती हुई नजर आ रही है। वीडियो को शेयर करते रहें, धन्यवाद, दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। कमेंट जरूर कीजिए आपका क्या कहना है, दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। ये गेट जो लगभग इसका अनुमानित बात की जाए तो इसका वजन जो है लगभग 60 क्विंटल के आसपास बताया जा रहा है। विभाग के माने तो 60 क्विंटल वजन और इसके लगभग 70-80 हज़ार रुपये का ये गेट और आसपास का जो ये खर्चा लगा करके 1-1.5 लाख रुपए के लगभग इसकी अनुमानित लागत बताई जा रही है कि ये लग चुका है और फिर भी अभी भी इसको खोलने का काम नहीं हुआ है। आपका क्या कहना है कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।